So hey guys, welcome to your channel Travel with Meg, and today again we are back with another video from document series statement of purpose. अगर आपने document series का पुराना video resume या CV नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, link जो है वो description में आपको डाल दूँ. इसके साथ साथ आप अपने resume या SOP से related मुझे questions पूछ सकते हैं मेरे Instagram channel Travel with Meg पे every Sunday 7 PM Indian Standard Time. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो अगेन बहुत जरूरी है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज समथिंग की इट इज़ लाइक इज टेलिंग योर मोटिवेशन, योर पर्पस की आखिर आप क्यों इटली में आकर के इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहते हैं, राइट? तो आपको तीन चीज़ों को डिफेंड करना है कि आपको इस कोर्स को क्यों करना है, आपको इटली में क्यों करना है, और आपको इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना है. आपको इस तरीके से अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, नो, कि किस तरीके से आपके प्रेजेंट स्किल्स और अभी जो आप करने जा रहे हो वो दोनों मिल करके किस तरीके से आपके करियर डेवलपमेंट में या आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको हेल्प करते हैं. चलिए आइए देखते हैं सैम्पल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का और क्या क्या की चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है. तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है. 2 पेज में आपका ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा हुआ है, 1 पेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये कोर्स जिसके लिए अप्लाई किया गया है वो मास्टर्स इन रिस्क मैनेजमेंट. तो सबसे पहला पैरा में आपको लिखना है आपके कोर्स का, आपको एक बेस बनाना है, राइट? एक आपको बड़ा पिक्चर शो करना है कि किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड में इकोनॉमी में इसका इंपॉर्टेंस है. थोड़ा प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पैरा के फर्स्ट कुछ लाइंस में आपको मेंशन करना है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर उससे रिलेटेड कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, जैसे कि इतने यहाँ पे रिस्क मैनेजर्स की कमी है या इतने स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, राइट? जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें तो आप बता सकते हो कि इंजीनियरिंग में इतने इंजीनियर्स पास आउट करते हैं बट उसमें कुछ स्किल्स की कमी होती है. मतलब जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप दिखा सकते हैं रीसेंट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद आपको आता है सेकंड पैराग्राफ में कुछ लाइंस के बाद, अब आप स्टार्ट करेंगे अपने बारे में लिखना कि आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ाई की है. तो जो भी रीसेंट आपका स्टडी होगा वो स्टडी से आप स्टार्ट करेंगे कि आपने ये इसमें स्टडी किया है. थोड़ा आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, कैसी है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हाईएस्ट 5-स्टार रेटिंग है फ्रॉम UGC में इस यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखिएगा, आधा अधूरा नाम नहीं लिखिएगा. उसके बाद आपको लिखना है ये वाले पैराग्राफ में आपका जो पुराना वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में, और किस तरीके से आपका जो नया प्रोग्राम आप करेंगे या नए सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे या नए स्किल्स जो आप सीखेंगे वो आपके प्रेजेंट स्किल्स में या प्रेजेंट नॉलेज को और इन्हांस करेंगे, यू नो. अब इसमें आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, ठीक है? तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ स्किल्स जो आपको ये कोर्स करने के बाद मिलेगी या ये कोर्स करते करते आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी. आप कुछ इंक्लूड कर सकते हो कि इस प्रेजेंट वर्क में भी आपने थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है या काम किया हुआ है और आपको लगता है कि अगर आप ये कोर्स कर लोगे तो आपका प्रेजेंट नॉलेज प्लस जो आप अभी नया प्रोग्राम में सीखोगे वो दोनों मिलकर के आपको एक अच्छा करियर गोल देगा या आपको एक अच्छा जॉब प्रोवाइड कर सकता है, यू नो. अब यहाँ पे ये जॉब क्या है, यहाँ पे ये जॉब है मार्केटिंग का. अब किस तरीके से, देखो, क्रिएटिव तरीके से ये मार्केटिंग जॉब में क्वांटिटेटिव स्किल्स को इंक्लूड किया गया और किस तरीके से बोला गया कि मुझे धीरे धीरे, मैंने जब अपने जॉब में क्वांटिटेटिव स्किल्स को इंक्लूड किया तो मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट जागने लगा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ में, यू नो. तो इट जस्ट अ ब्यूटी कि किस तरीके से आप अपने प्रेजेंट नॉलेज को और आप जो कोर्स करना चाहते हो आप उसको कनेक्ट करते हो. अब इसमें थोड़ा आपको एज अ डीप बात करना है. डीप बात करना है एज अ ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करना है, एज अ ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करना है कि किस तरह से आपके प्रेजेंट नॉलेज और आपका जो नया प्रोग्राम है आप सीखेंगे दोनों मिलकर के किस तरह से इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है. थोड़ा आपको बड़ा इसमें विजन शो करना है आपका कि एज अ विजन क्या है आपका, आप कंट्रीब्यूशन क्या देना चाह रहे हो. इसमें आपको बात करना है कि आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने कोई ऐसा कोर्स किया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है जो आप जो नया प्रोग्राम करना चाहते हो उसमें कहीं पर है, उसका 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे कि आपको फिनेंस में मास्टर्स करना है तो आप बता सकते हो कि बैचलर में आपने ये सब्जेक्ट में फिनेंस पढ़ा है, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है. आप कुछ अपने प्रोफेसर को क्रेडिट दे सकते हो कि आपके जो प्रोफेसर थे उनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट किया था और आपके प्रोफेसर आपको इंस्पायर करते हैं, यू नो. उसके बाद अब इसमें आपको कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट पे आना है कि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी क्यों आपने ये वाली चूज़ की, फिर यूनिवर्सिटी ऐसी ऐसी है, फिर इसका मैंने कोर्स प्रोग्राम देखा, इसका मैंने स्टडी प्रोग्राम देखा, स्टडी प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगता है अगर मैं वहाँ पे नॉलेज गेन करूँगा तो मुझे जो पहले से पता है उसमें मुझे और अपग्रेडेशन मिलेगा. उस सब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा बात कर सकते हो. उसके बाद इस पैरा में आपको लिखना है कि ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब करनी है, आप क्या करने के लिए इंटरेस्टेड हो. अब इस पार्ट में आपको लिखना है एज अ पर्सन आप कैसे हो, आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स दिखाने हैं, आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना है बस. और एंड में फिर आपको यहाँ पे लिख देना है
कि आई सिंसियरली होप कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए वो सफिशियंट है और मेरा जो आंसर आएगा एडमिशन कमेटी से वो यस yes आएगा, मेरे फेवर में आएगा, राइट. नीचे फिर आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख करके आपको अपना नाम लिखना है. बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेना होता है या तो अपने यूनिवर्सिटी या स्कूल के प्रोफेसर और टीचर से या फिर आपके एम्प्लॉयर से. तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमेशा या तो कंपनी के लेटर हेड पे होता है या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल के लेटर हेड पे. रिकमेंडेशन का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ऊपर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा रहेगा और नीचे यहाँ पे योर सिंसियरली आपके प्रोफेसर या फिर एम्प्लॉयर का नेम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा क्योंकि एक तरह से ऑथेंटिकेट लगता है और अगर उनको कल को कॉन्टैक्ट करना हो, आपके बारे में कुछ पूछना हो तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो ये पूरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को मैंने चार सेक्शंस में डिवाइड किया, आई मीन चार पैरा में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पैरा में एक तरीके का ओवरऑल समरी लिखा हुआ है कि वो आपको कितने टाइम से जानते हैं, किस कोर्स के थ्रू जानते हैं और आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं और प्रोफेसर जो है आपको रिकमेंड करना चाह रहे हैं, तो वो फर्स्ट पैरा में लिखना है. सेकेंड पैरा में ये लिखना है बेसिकली कि वो किस तरीके से आपको जानते हैं, मतलब ऐसा क्या कोई प्रोजेक्ट आपने उनके साथ किया था या कुछ ऐसा स्पेशल इंसिडेंट हुआ था जिनके वजह से वो प्रोफेसर आपको जानते हैं, ठीक है. ओके, सो मेघना को मैंने किस तरीके से जाना, मेघना को फेलिसिटेट किया गया था सीएचएच में द्वारा, तो पहली बार मैंने उस तरीके से मेघना पे मेरा ध्यान गया. तो ये वाले पैरा में वो ये भी लिख सकते हैं, इस पैरा में जो ब्लू से हाईलाइट है कि आपने उनके अंडर प्रोजेक्ट किया या आपने उनके अंडर थीसिस लिखी, ठीक है. तो आपने वो थीसिस बहुत अच्छे से की, आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से फिनिश. अब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बेटर ये रहता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्रोफेसर आपके बारे में लिखे. थर्ड पैरा में आपका आना चाहिए स्किल्स, ठीक है, जिसमें आपके प्रोफेसर को क्या लगता है कि आपकी स्किल कैसी है, क्या है, कौन सी स्किल आपकी सबसे अच्छी है, कौन सी स्किल उनको आपकी सबसे अच्छी लगी. सबसे लास्ट वाला जो पैरा एक तरह से एंडिंग नोट है, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं रेकमेंड करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम का नाम आएगा यहाँ पे, और उनको थोड़ा लिखना है कि मुझे पता है कि अगर वो आपके यहाँ पे मतलब स्टडी करती हैं तो इट विल बी ए गुड एसेट, आपके यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी एसेट साबित होगी, और अगर आपको उसके फर्दर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करने में हेजिटेट नहीं करिएगा. सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ डॉक्यूमेंट सीरीज़ के ऊपर में. इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आपका डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, वो आप मुझे हमेशा संडे को लाइव 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल ट्रैवल विद मेघ पे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद मेघ. बाय बाय, चाओ चाओ.